गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। और अब तक इस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अम्ल और क्षारक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लवण। लवण क्या होते हैं, चलो शुरू करते हैं आज की। लवण बनाने से पहले पिछले टॉपिक में कुछ बच गया था। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि दिए गए पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित है। जैसे वो पूछ लेगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न कई बार आता है और ऐसा प्रश्न आया भी है। तो ये मैंने कुछ अम्ल लिख दिए हैं जो अलग अलग पदार्थों में होते हैं। जैसे सिरके में होता है एसिडिक अम्ल, मैंने इसको इंग्लिश में ही लिख दिया है। इंग्लिश में क्यों लिखा है, क्योंकि हिंदी में जब लिखोगे तो उसको भी एसिडिक ही लिखा जाएगा, तो मैंने इसको इसलिए इंग्लिश में लिख दिया है। तो सिरका जो होता है, सिरका जो हम अचार में डालते हैं या नूडल्स बनाने के लिए हम जो सिरका डालते हैं, उसमें एसिडिक एसिड होता है, एसिडिक अम्ल होता है। संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी का जो डंक होता है, कल बताया था, मिथेनोइक अम्ल होता है, नेटल डंक जो होता है उसमें भी मिथेनोइक अम्ल होता है, मधुमक्खी के डंक में भी मिथेनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी अम्ल छोड़ती है, लेकिन जो ततैया होता है वो क्षारक छोड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखने हैं। अब आज हमें पढ़ना है लवण। देखो लवण क्या होता है, लवण हमने अम्ल पढ़े, अम्ल जैसे ये पढ़ा HCl। अगर इस अम्ल में से हम हाइड्रोजन निकाल दे और इसकी जगह कोई धातु लगा दे, जैसे सोडियम लगा दी और साथ में Cl, तो ये लवण बन जाएगा। ठीक है, तो किसी अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करके धातु के जुड़ने पर लवण प्राप्त होता है। जैसे HCl में हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम लगाने पर NaCl प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा लवण कैसे बनते हैं हम पढ़ चुके हैं। जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। सबसे कॉमन जो यूज होता है लवण, जो बहुत ज्यादा प्रचलित लवण है, वो है सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी कहा जाता है। देखो लवण का मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं होता, ये मत समझो कि लवण अगर मैंने नाम लिया तो उसका मतलब सिर्फ साधारण नमक ही है। साधारण नमक तो लवणों के एक परिवार का छोटा सा हिस्सा है, लवण कोई एक प्रकार के नहीं है, लवण सैकड़ों प्रकार के होते हैं। साधारण नमक को हम क्यों जानते हैं, क्योंकि साधारण नमक का बहुत अधिक प्रयोग होता है, अलग अलग चीजों में साधारण नमक का प्रयोग होता है, इसलिए हम इसको अच्छे से जानते हैं। इसलिए जैसे ही लवण का नाम आएगा हमारे दिमाग में एकदम से साधारण नमक सोडियम क्लोराइड आता है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि लवण का मतलब है तो सिर्फ साधारण नमक ही होगा। साधारण नमक तो लवणों में से एक लवण है। लवण का निर्माण अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया से होता है, इसलिए हम कह सकते हैं। देखो अब अगर लवण का निर्माण अम्ल और क्षारक से हुआ है तो एक लवण के दो पेरेंट्स हो गए, मतलब उसके दो जनक हो गए, उसको बनाने वाले दो हो गए, एक अम्ल हो गया एक क्षारक हो गया। इसलिए जो भी लवण का नाम पड़ेगा उसका नाम अम्ल और क्षारक दोनों के नाम से निकलेगा। जैसे हम कोई लवण की बात करें, NaCl सोडियम क्लोराइड लवण है, इसकी बात करें, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये किससे बनता है, यह अम्ल और क्षारक दोनों के जुड़ने से बनता है। अम्ल कौन सा, HCl, क्षारक कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इसका नाम जो है सोडियम क्लोराइड कैसे पड़ा, सोडियम तो आया कहां से, क्षारक से सोडियम मिला, और क्लोराइड कहां से आया, अम्ल से आया। तो जिन चीजों से लवण बनता है, मतलब अम्ल और क्षारक से लवण बना है, तो उसका नाम भी अम्ल और क्षारक से ही लिया जाएगा। जैसे मैंने बता दिया उदाहरण सोडियम क्लोराइड में सोडियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है और क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आता है। ठीक है, अब जो पता चल गया हमें कि लवणों का निर्माण अम्ल से होता है, अम्ल में से हाइड्रोजन निकाल दें, सोडियम लगा दें तो हमें लवण प्राप्त होता है, या फिर अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से लवण प्राप्त होता है, तो जितने भी अम्ल होते हैं उन सब से कोई ना कोई लवण का निर्माण हो सकता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लवण को हम क्लोराइड लवण बोलते हैं। HNO3 अम्ल, देखो अम्ल जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, तो अलग अलग प्रकार के अम्ल हैं, तो उनके लवण भी उसी प्रकार से बनेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लवण जो होगा उसको क्लोराइड लवण कहते हैं, HNO3 का अगर लवण है तो हम उसको नाइट्रेट लवण कहेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके जो लवण जो बनेंगे वो होता है सल्फेट लवण। इसी प्रकार कार्बोनिक एसिड जो होगा तो इसका जो लवण बनेगा वो कार्बोनेट बनेगा। एसिडिक एसिड जो है, एसिडिक अम्ल जो है, इसका लवण जो बनेगा उसको हम एसिटेट कहेंगे। ठीक है, तो जितने भी अम्ल होते हैं वो उसी प्रकार से उनके लवण भी बनते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लवण कौन कौन से हैं, कौन कौन से लवण हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे देखो, अगर हमें लवण पता है तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो कौन कौन से अम्ल और क्षारक से बना होगा। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये अलग अलग प्रकार के लवण हैं। अब अगर हम इस लवण को ले लें, किसको, सोडियम क्लोराइड को ले लें, तो सोडियम क्लोराइड को देखें तो इसमें एक सोडियम आया, एक क्लोरीन आया है, तो इसका मतलब है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा और HCl से बना होगा। अगर हम इसकी बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो ये किससे बना होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड M, इसमें एक क्षारक है और एक अम्ल है, तो किससे बना होगा, हम बता सकते हैं MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से और HCl से मिलकर इस अम्ल का निर्माण हुआ होगा। ऐसे ही CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ होगा, तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक तो क्षारक लेंगे और एक अम्ल लेंगे, तो क्षारक कौन सा ले सकते हैं, तो इसमें देखो कैल्शियम CaCl2 है, तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl जब ये मिलेंगे तो बनेगा CaCl2 प्लस वाटर बनेगा, तो ये लवण का निर्माण हुआ, इससे ये क्षारक है और ये अम्ल है। ऐसे ही जिंक क्लोराइड, ठीक है, ऐसे ही Na2SO4, ऐसे ही कॉपर सल्फेट, ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, किसी को भी देखो उनमें, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट ले लो तो MgOH2 ये तो होगा उसमें क्षारक और साथ में होगा H2SO4, ठीक है, तब जाके बन जाएगा MgSO4, ये लवण का निर्माण होगा, साथ में पानी निकल जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट को देखें तो इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा AlOH3 और साथ में SH2SO4, तो निर्माण किसका हो जाएगा, Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट का, और पानी निकल जाएगा। इस प्रकार अलग अलग लवणों का निर्माण होता है, और एक लवण को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा तो क्षारक प्रयोग हुआ है और कौन सा अम्ल प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। देखो लवण, लवण आयनिक यौगिक है, मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें धनायन और ऋणायन होते हैं, मतलब कैटायन और एनायन, मतलब प्लस का और माइनस के आयन होते हैं, वो एक आयनिक यौगिक होता है। जैसे NaCl ये एक लवण है, जब हम इसको जल में घोलेंगे, इसका जलीय विलयन जैसे ही पानी में डाल दिया तो इसमें से आयन निकलेंगे Na प्लस और क्लोराइड आयन, और जिस भी यौगिक में आयन बन जाते हैं वह यौगिक विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका विलयन सोडियम क्लोराइड का विलयन विद्युत का सुचालक होगा, क्यों, क्योंकि यह एक आयनिक यौगिक है। ज्यादातर जो लवण होते हैं वो ठोस होते हैं,
क्यों ठोस होते हैं? क्योंकि इनमें आयन होते हैं और इन आयनों के बीच अबंध बहुत प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग अबंध होता है, इसलिए इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अबंध अगर प्रबल है तो ये ठोस अवस्था में मिलेंगे। हम ये पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि जिनके बीच प्रबल आवद होता है उनके अणु या उनके कण पास पास होते हैं और वो वस्तु होती है ठोस। पढ़ चुके हैं हम ठोस में जो कण है वो नजदीक नजदीक होते हैं, जो द्रव होते हैं उसमें थोड़ा दूर होते हैं और जो गैस होती है उसमें और अधिक दूर होते हैं। तो सभी आयनिक यौगिक जो होंगे वो ठोस अवस्था में मिलते हैं और उनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं लवण परिवार की। देखो दो लवणों में अगर कोई भी आयन समान है, चाहे वो धनायन है चाहे ऋण आयन है, तो वो एक ही परिवार के सदस्य हो जाएंगे। जैसे बात करें हम NaCl और Na2SO4 सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन दोनों में धनायन समान है, मतलब दोनों में सोडियम आयन है, तो ये दोनों किस में आएंगे? सोडियम परिवार में आ जाएंगे। सोडियम परिवार के लवण है ये। तो परिवार का मतलब क्या, लवण परिवार का मतलब क्या है? जिन लवणों में एक ही प्रकार के धनायन या एक ही प्रकार के ऋणायन है वो एक ही परिवार के सदस्य होंगे। जैसे मैंने उदाहरण ले लिया सोडियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का, इनमें धन आयन दोनों में समान है तो ये दोनों ही सोडियम परिवार का हिस्सा है। दूसरा उदाहरण ले ले NaCl और KCl पोटासियम क्लोराइड, तो दोनों में क्लोराइड आयन है, ये अलग अलग है और लेकिन क्लोराइड आयन समान है, तो ये दोनों हो जाएंगे क्लोराइड परिवार, क्लोराइड परिवार के सदस्य। तो इनका क्या परिवार हो गया? क्लोराइड परिवार। देखो लवणों का परिवार कोई एक नहीं है, जितने इनमें आयन होंगे उतने ही परिवार बन सकते हैं। मतलब जैसे सोडियम परिवार, मैग्नीशियम का परिवार या कॉपर परिवार, ठीक है, इस प्रकार अगर उनमें सल्फेट है तो सल्फेट परिवार, क्लोरीन है तो क्लोराइड परिवार, ठीक है, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट परिवार, इस तरह से। जरूरी नहीं कोई लवण एक ही परिवार, लवणों के उतने ही परिवार बन सकते हैं जितने उनके अंदर आयन हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है लवणों की पीएच, लवणों की पीएच। देखो अगर कोई लवण, हम ये तो पढ़ चुके हैं कि लवणों का निर्माण अम्ल और सारक की अभिक्रिया से होता है। अब अगर अम्ल और सारक दोनों ही प्रबल हैं, मतलब HCl और NaOH, NaOH ये एक प्रबल सारक है, हम पढ़ चुके हैं, इसको हम मिलाएं एक प्रबल अम्ल के साथ, ये भी प्रबल है ये भी प्रबल है, अब दोनों ही प्रबल मिलेंगे तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय करेंगे, उदासीन करेंगे, तो बिल्कुल एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देंगे तो जो लवण प्राप्त होगा हमें वो कैसा प्राप्त होगा? वो तो उदासीन प्राप्त होगा। कैसा? उदासीन। और उदासीन लवण का जो टेस्ट होता है वो नमकीन होता है, लगभग नमकीन। ठीक है, अब जैसे ये तो प्रबल था, प्रबल क्या था? सारक, और प्रबल ही क्या था? अम्ल। अब अगर हम इनको पानी में डालते हैं, किसको? सोडियम क्लोराइड को अगर हम पानी में डालते हैं तो इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन वो तो निकलेंगी, साथ में जो जल होता है ना H2O वो बनेगा। देखो ये तो उदासीन ही है, लेकिन जो H2O बनेगा उसमें भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन समान ही बनेंगे और वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो पूरा का पूरा विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक अम्ल वो प्रबल है और सारक क्या है? वो दुर्बल है। जैसे हमने ले लिया भाई HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो और इसमें हमने मिला दिया कोई दुर्बल सारक, जैसे कोई भी दुर्बल सारक ले सकते हैं हम, उदाहरण के लिए जैसे इसमें हम उदाहरण ले लेते हैं इसका अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक सारक है ये, तो इन दोनों से जो अभिक्रिया होगी उससे क्या बनेगा, बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड जो ये लवण है यह ये इसके टेस्ट में ये होगा खट्टा सा होगा। खट्टा सा क्यों होगा, क्योंकि इसका निर्माण हुआ है प्रबल अम्ल से और दुर्बल सारक से। अब प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल सारक है, जितनी ये इसकी क्षमता को कम कर सकता है उतनी कर देगा, लेकिन सारी क्षमता को निष्क्रिय नहीं कर पाएगा, इसमें कुछ ना कुछ पावर तो बच जाएगी और वो बची हुई पावर किसमें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में। और अमोनियम क्लोराइड कैसा होगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा अम्लीय, ठीक है अम्लीय। अब अगर इसका उल्टा हो जाए, या देखो अगर हम इसको पानी में घोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड को अगर हम पानी में घोल देते हैं NH4Cl प्लस H2O, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा NH4OH प्लस HCl, ये प्राप्त होगा, ठीक है भाई। अब NH4OH डिएबिलियन में ये तो सारक है और ये अम्ल है, अब ये तो प्रबल अम्ल है इसलिए इस ये अधिक हाइड्रोजन आयन देगा, ये दुर्बल अम्ल है ये हाइड्रोक्साइड आयन कम देगा, इसलिए वो विलयन क्या कैसा होगा, वो अम्लीय होगा, ठीक है। ये तो हो गया भाई किसका, प्रबल अम्ल और दुर्बल सारक का। अगर इसके विपरीत आ जाए, इसका उल्टा आ जाए, कैसे, मान लो कि आप लोगों के पास सारक प्रबल है और अम्ल दुर्बल है, तो जैसे मैंने कहा प्रबल सारक और दुर्बल अम्ल, प्रबल सारक है जैसे NaOH और इसमें हमने मिलाया क्या, दुर्बल अम्ल H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, एक दुर्बल अम्ल है। जब ये दोनों मिलेंगे तो हमें प्राप्त होगा भाई Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट है तो ये लवण, लेकिन ये उदासीन नहीं होगा, ये क्षारीय होगा। क्षारीय क्यों होगा, क्योंकि जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक प्रबल सारक है और ये जो अम्ल है कार्बोनिक अम्ल ये एक दुर्बल अम्ल है, तो ये एक दूसरे को जब निष्क्रिय करेंगे तो ये इसकी क्षमता को पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं कर पाएगा, मतलब पूरी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को उदासीन नहीं कर पाएगा, जितनी ही कर सकता है उतना तो कर देगा लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, तो इसकी कुछ क्षमता, इसकी जो सारी क्षमता है वो इसमें जाएगी Na2CO3 में, ठीक है, इसलिए ये कैसा होगा, ये क्षारीय होगा। अगर हम इसको जल में घोल दे, मतलब ये अभिक्रिया अगर उल्टी हो जाए, हम आप लोगों के पास Na2CO3 है, Na2CO3 को अगर हम घोले किसमें, जल में H2O, देखो ये वाली अभिक्रिया होगी तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा NaOH विलयन में और प्लस H2CO3 विलयन में। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बोनिक अम्ल बनेगा, ये देगा हाइड्रोजन आयन, ये देगा हाइड्रोक्साइड आयन, ये प्रबल होने के कारण अधिक हाइड्रोक्साइड आयन देगा और ये दुर्बल होने के कारण हाइड्रोजन आयन कम देगा, इसलिए वो जो विलयन है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि उसमें NaOH अधिक हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो लवण क्या है, ये हम पढ़ चुके, लवण की पीएच निर्भर करती है कि वो लवण किस से बना है, अगर दोनों ही प्रबल है तो बनने वाला लवण उदासीन होगा, और अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल सारक है तो बनने वाला लवण अम्लीय होगा, अगर प्रबल सारक है और दुर्बल अम्ल है तो बनने वाला लवण क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, ठीक है भाई। तो ये था लवणों के बारे में जितना भी था, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साधारण जो लवण है NaCl, इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, इसका प्रयोग हम अलग अलग पदार्थों के निर्माण में करते हैं, तो इससे कौन कौन से पदार्थ बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखो रिवीजन आप लोगों को करते रहना है, वीडियो को देखना है, कंसेप्ट को समझना है और किताबें उठा के प्रैक्टिस खुद से करनी है, तभी चीज़ें क्लियर होती हैं।
ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।